उत्तर प्रदेश में रविवार को यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक गिरोह के 29 सदस्यों को अलग अलग जिलों से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एसटीएफ की जांच में टीईटी पेपर लीक के तार सचिवालय से जुड़े हैं। सचिवालय में संविदा पर तैनात कर्मचारी इस गिरोह में सक्रिय सदस्य हैं। इसके अलावा कई सरकारी कर्मचारियों के भी तार गिरोह से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। इसमें झांसी का अनुराग देश, अंबेडकर नगर का फौजदार वर्मा उर्फ विकास, अयोध्या कापसी का कौशलेंद्र प्रताप राय और झांसी का चंदू वर्मा शामिल है। अयोध्या के कौशलेंद्र राय के पास से टीम ने कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इसमें सचिवालय का पास, खाद्य एवं रसद विभाग का पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि हर जिले में अलग अलग माफियाओं ने पेपर लीक करवाया था। आपको बता दें कि कौशाम्बी से गिरफ्तार रोशन सिंह लैब टेक्नीशियन है। प्रयागराज से गिरफ्तार सत्येंद्र सिंह सरकारी टीचर हैं, जबकि लखनऊ से गिरफ्तार कौशलेंद्र सचिवालय का संविदा कर्मचारी है। मुखबिर और खुफिया जानकारी के आधार पर शनिवार रात से अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।